इस वक्त हम जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी अनाज मंडी यानी कहा जाए नेहरू मार्केट के प्रवेश द्वार पर खड़े हैं और यहाँ पर मूलभूत सुविधाओं की इतनी कमी है, हालांकि यहाँ से कहा जाए तो प्रति माह 1.5 करोड़ का राजस्व जो है वो सरकार लेती है, यानी कहा जाए तो रोज़ाना 5 लाख रुपए का टैक्स जो है वेयर हाउस भरता है और यहाँ मूलभूत सुविधाओं का जो है अभाव इतना है कि यहाँ की सड़कें गड्ढों से भरी पड़ी हैं और खास करके कहा जाए तो पीने का जो पानी है वो तक यहाँ पर सरकार ने मुहैया नहीं करवाया है। इसी को लेकर सरकार से कई बार वेयर हाउस के प्रधान और बाकी के दुकानदार गुहार लगा चुके हैं। जिस प्रकार से जम्मू के वेयर हाउस में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, उसी को लेकर हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त वेयर हाउस प्रधान दीपक गुप्ता जी नहीं समझते सर, जिस प्रकार से यहाँ आप टैक्स पे करते हैं और भारी टैक्स पे किया जाता है, क्या उस प्रकार की सुविधाएं आपको मिल पा रही हैं? ऐसा है कि जो ये वेयर हाउस है वो 1962 में बना था, उस अभाव से देखें जब ये मार्केट बनी थी तो जो हमारे जो पुराने बुजुर्ग हैं वो कहते थे कि यहाँ पे वॉलीबॉल खेला जाता था, इतनी बड़ी मार्केट थी उस हिसाब से। और उसके बाद जैसे जैसे हमारा जम्मू कश्मीर की ग्रोथ हुई और जम्मू कश्मीर बढ़ता गया, वैसे वैसे जो है हमारा जो ये मार्केट है ये छोटी होती गई और लगभग जो है 4 पीढ़ियाँ जो है इस वेयर हाउस मार्केट के अंदर बैठी हुई है, ये चौथी पीढ़ी है। तो आप देख सकते हैं कि लोग जो है आना जाना जो है बहुत है, यहाँ पे पूरे भारतवर्ष के लोगों का आना जाना है, पूरे हिंदुस्तान से ट्रकों का आना जाना है और पूरे जम्मू कश्मीर यूटी से आना जाना है। और उसको देखते हुए मार्केट हमारी छोटी हुई है। और जो बात है कि रोज़मर्रा चीज़ों की, अब सफाई के लिए ड्रेनिंग सिस्टम प्रॉपर होना चाहिए और उसके लिए ड्रेनिंग सिस्टम हुए भी है, लेकिन सफाई की आवश्यकता रोज़ रहती है और उसका अभाव जो है रहता ही है। और सफाई जो है हम चाहते हैं म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से कि जो सफाई कर्मी है वो ज़्यादा लगाए जाए ताकि सफाई जो है ज़्यादा से ज़्यादा हो। बाकी आप सड़कों की बात करेंगे, सड़कों जो हमने पिछली बार जो है पिछले साल जो है हमने प्रोटेस्ट किया था तो यहाँ पूरे वेयर हाउस के अंदर ब्लैक टॉपिंग हुई थी, तो उसके बाद एक डिपार्टमेंट ब्लैक टॉपिंग करके जाता है तो दूसरा डिपार्टमेंट खोज जाता है। फिर उसने क्या किया, पीडब्ल्यूडी ने जब यहाँ नाला निकाला, यहाँ से लेके विक्रम चौक तक जो नाला गया है, उसके बाद पीडब्ल्यूडी ने ब्लैक टॉपिंग नहीं की, जिसके कारण जो है अभी आप देख रहे होंगे मेन रोड के ऊपर काफ़ी खड्डे हैं और मैं समझता हूँ कई स्कूटी वाले गिर भी गए हैं। तो इस तरह का अभाव जो है मैं समझता हूँ पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट के रहता है और आपके माध्यम से मैं पीडब्ल्यूडी को चेतावनी भी देता हूँ कि आप जल्द से जल्द जो है आपका कार्य पूरा हो चुका है पिछले महीने का और ब्लैक टॉपिंग का कार्य जो है वो आप जल्दी करवाइए, नहीं तो हमें रोड बंद करना आता है और हमें पता है कैसे काम करवाते हैं। तो देखा जाए यहाँ पर पीने के पानी की व्यवस्था कैसी है, यहाँ जिस प्रकार से आपने बताया कि बाहरी राज्यों से काफ़ी ट्रक आते हैं, उनके साथ कई लोग आते हैं, उनके लिए वॉशरूम की सुविधा है और साथ ही में कहा जाए आप बहुत भारी टैक्स पे करते हैं, करीब 5 लाख रुपये रोज़ाना आपका टैक्स जो है वो सरकार को जाता है, क्या उस प्रकार की सुविधाएं आपको मिलती हैं? देखो ऐसा है कि अब पानी की बात की तो हमारी फेडरेशन इतनी समर्थ है कि हमने अपनी ओर से जो है हैंडपम्प लगाए हुए हैं, 4 हैंडपम्प जो है हमारी फेडरेशन ने लगाए हुए हैं, 2 हमारी इस मार्केट में है, 1 हमारी नेहरू मार्केट के, 1 मेन रोड पे, 1 बैक साइड पे। तो
पानी का तो कोई कमी नहीं मुझे लगती है। हाँ, वाशरूम की तरफ से जो सुविधाएं देनी चाहिए वो नहीं। देखो, सरकार की तरफ से पानी की तरफ से कोई सुविधा नहीं है। हाँ, वाशरूम की जो है, वाशरूम सरकार ने बनाए हुए हैं। सुलभ शौचालय जो है यहाँ तकरीबन अच्छी ढंग से बने हुए हैं, लेकिन यहाँ फार फूटिंग बहुत ज़्यादा है और तकरीबन मैं समझता हूँ 20 से 25 हज़ार लोगों का आना जाना है, और जो हमारी लेबर है वो तकरीबन 5 हज़ार के करीब यहाँ रोज़ाना रहती है। तो हमने आगे ही JDA डिपार्टमेंट को बोला हुआ है कि हमें जो है गोडाउंस की जगह दी जाए, और मुझे आशा है कि गोडाउंस की जगह हमें जल्द मिल जाएगी। तो फिर मुझे लगता है जब हमारी लोडिंग अनलोडिंग वहाँ होगी तो हमें जो है आराम से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की ओर हम जा पाएंगे। तो आपने सुना कि सरकार की तरफ से जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं है, हालांकि एक विभाग जो है वो आके यहाँ उन चीज़ों को दुरुस्त करने की कोशिश करता है, लेकिन दूसरा विभाग आके उन्हीं चीज़ों को ख़राब कर जाता है। और इन्होंने चेतावनी भी दी है कि अगर जल्द इन सड़कों को और इन गड्ढों को नहीं भरा गया तो ये आंदोलन भी करेंगे। रोज़ाना करीब 25 से 30 हज़ार लोगों का यहाँ पर आना होता है, लेकिन जिस प्रकार की सुविधाएं सरकार को यहाँ देनी चाहिए वो इन लोगों को नहीं मिल पा रही हैं, जिसके चलते अब प्रधान ने साफ कहा है कि अगर उनकी सुविधाएं नहीं मिली तो वो आंदोलन भी करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष शर्मा के साथ रविंद्र श्रीवास्तव, इंडियन ट्रिब्यून न्यूज़, 24/7।